नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज। खबर सुपौल से है। सुपौल सदर थाना इलाके के मलहद गांव में एक महिला को उसके पति ने जहर खिलाकर मारने की कोशिश की। हालांकि जहर खाई महिला का सदर अस्पताल सुपौल में इलाज किया जा रहा है। वहीं सदर थाने की पुलिस सूचना मिलते ही सदर अस्पताल पहुंचकर जांच में जुट गई है। दरअसल बता दें कि जख्मी महिला का नाम काजल कुमारी है, जो सहरसा के बधवा गांव के अश्विनी कुमार झा, जो रमेश झा महिला महाविद्यालय सहरसा के प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, जिसकी बेटी काजल की शादी सुपौल जिले के मलहद गांव के अमरेश कुमार चौधरी से बीते 2017 में हिंदू रीति रिवाज से किया गया था। शादी के 3 वर्ष बीतने के दौरान उन्हें 1.5 साल की बच्ची भी है, मगर काजल कुमारी का आरोप है कि उसके पति का ना केवल दूसरी औरत से नाजायज ताल्लुकात रखते हैं, बल्कि दहेज में 8 लाख रुपए बतौर डिमांड कर रहा है, जिसे पूरा नहीं होने के उपरांत उसे उसके पति ने आज मलहद अपने घर पर ही जहर खिलाकर मारने की कोशिश की है। जबकि पीड़ित के ससुर मिथिलेश चौधरी का कहना है कि आरोप निराधार है, तो वहीं दूसरी ओर सदर थाने की पुलिस पीड़िता काजल के फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने की बात कह रही है। आज जब हमको लगा कि हमको अलग खिला देगा, बोला जाओ मम्मी के पास ना, यहाँ से पूरा लाश जाएगा। समझ के कहते ठीक है, उल्टे डब्बा खिंचाते में घर जाके देखिए पूरा छोटा, तब तक में हमको लगता है आधा डब्बा वो हमको खिला दिया था। यह निराधार अपराध है, इसमें कोई बात नहीं है, समझ गए। आपकी पुतो जो आरोप लगा रही है कि आपके लड़के पे कि दहेज के चलते जो है ऑल आउट पिला दिया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? उसको गलत कह रहे हैं, अगर कोई साबित कर दे। मामला क्या है वो बताइए। मामला कोई नहीं, मामला यह लड़की यहाँ रहनी नहीं चाहती। आज 3 साल से लड़का जो सर्विस करता है वो टोटल पैसा इन्हीं लोगों को दे रहा है। अच्छा, आपका लड़का? हाँ, लड़का का पिताजी उनको, लड़का को कुछ नहीं कह रहा है, जो बेटा तुम हमको पैसा क्यों नहीं दे रहे, क्यों तू लड़का, हमें एक ही लड़का है, दो लड़का है, एक लड़का हमको हमारा मानसिक विकलांग है जो इससे छोटा है, एक लड़के का फायदा इन लोगों ने लिया, मैंने लड़का अपने से शादी का मैनेज किया इन लोगों के साथ, ठीक है। हस्बैंड इनके ससुर सब मिल करके, सास, ये तीनों मिल करके इसको पॉइजन दे दिया। हमारे यहाँ कॉलेज में मीटिंग चल रही थी, संजोग से यहाँ से फ़ोन ही किया अपने भाई को कि भैया हमको जबरदस्ती जबड़ा दाब करके मुंह में पॉइजन दे दिया। भाई लड़का हमारा फ़ोन किया कि पापा आपको मीटिंग सूझ रहा है, वहाँ गुड़िया को फ़ोन दे दिया, पॉइजन दे दिया। हम मीटिंग छोड़ करके भागे हैं, वहाँ डीएम का मीटिंग हो रहा है, सारा है, हम एग्जाम है मेरे कॉलेज में, इसको छोड़ के हम भागे हुए हैं ये पॉइजनस केस। अब यहाँ आते हैं तो हकीकत में देख रहे हैं कि मेरी बेटी को ये लोग दहेज के चलते पॉइजन दिया। कितना दहेज के लिए चलते ये मारपीट हो रही है? 8 लाख। 8 लाख रुपये? 8 लाख। डिमांड मांग रहा है? डिमांड मांग रहा है, गोल्ड मांग रहा है। अच्छा, कौन है वो शख्स, क्या नाम है उसके? हस्बैंड और आपके जो हैं समधी, उनका क्या नाम है? मिथिलेश चौधरी। मिथिलेश चौधरी का कहना है कि मिनिमम आधा किलो सोना हमको चाहिए, नहीं तो मार के बर्बाद कर देंगे। हम लोग के साथ मारपीट भी करवाया हूँ। दिवागस्ती के क्रम में मुझे पता चला बराबर के बाद, एक यहाँ मिलता है अस्पताल में जाकर देखे, जब आए बेड पर देखे, इन्हीं लोगों द्वारा बताया गया जो ये जहाँ खाई हुई है, जिसका इलाज चल रहा है, जिसका फर्द बयान ले रहे हैं, जिससे कि कानूनी कार्रवाई आगे चल रही है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है आपको? हमको कुछ पता नहीं है, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं, हम जो देखे हैं ये बात आप लोग भी देखे हैं, इसके अलावा हमको जानकारी है नहीं, क्योंकि जैसे जहर खाता है झाग भी निकलता है, पूरा बेहोशी हालत में होता है, इस स्थिति में तो हमको मिला नहीं, हमको तो ठीक ठाक स्थिति में भी मिला, अब तो डॉक्टर साहब बताएंगे जो।